जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और ये जो है काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, इसमें जो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तकरीबन आपकी सैलरी जो इसमें रहेगी 1800 से 3000 रियाल के बीच में सैलरी आपकी रहेगी। लेकिन ये जो काम रहेगा आपका, एक सीवी सिलेक्शन है और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है आपकी, सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मैं पूरी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिल जाए तब हमें कॉन्टैक्ट करें तो अच्छा रहेगा। और सर्विस चार्ज इसका अप्लाईबल है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके किसी एक शहर से किसी भी भाई बंधु को जॉब मिल सके और वो अपनी लाइफ सेट कर सके। वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो ये रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और ये सऊदी अरब रियाद से है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो चाहिए हमें सिर्फ ये जो आपका काम रहेगा, इसमें काम आपको क्या क्या करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको बर्गर, पास्ता और सैंडविच मेकर, ये सारी चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस, इंडियन एक्सपीरियंस इसमें नहीं चल पाएगा, आपका गल्फ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ सऊदी से रिटर्न हो, दुबई से रिटर्न हो, कहीं से भी रिटर्न हो, आप इसमें चल जाएंगे। कम से कम 3-4 साल का आपको एक्सपीरियंस वगैरह इस फील्ड के अंदर होना चाहिए, तभी इसमें सिर्फ ओनली फॉर गल्फ रिटर्न कैंडिडेट्स हमको चाहिए। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट चाहिए। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ये एक सीवी सिलेक्शन है, इसमें आप अपना सीवी ड्रॉप कीजिए, इंशाल्लाह आपके जैसे ही सिलेक्शन होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसमें जो आपको सैलरी रहेगी और ड्यूटी जो रहेगी, मैं पूरी आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से क्या रहेगा सारी चीज़ की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पासपोर्ट आपका कोई भी हो, दोनों पासपोर्ट चलेगा, ACR हो या ACNR हो, दोनों चलेगा। आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 21 से 38 के बीच में होनी चाहिए। 38 से ऊपर के हैं तो इसमें प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि 38 से ऊपर वालों का काम नहीं हो पाएगा। और इसमें कम से कम आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, और फूड भी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और इसमें जो आपका 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सबसे पहले पासपोर्ट का दोनों साइड स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में, और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और जो सर्टिफिकेट रहेगा आपका गल्फ का होना चाहिए, ठीक है। और एक आपका CV अपडेट, आपको सारा चीज़ मालूम होना चाहिए कि इंडियन में कितना काम किया और आपने गल्फ में कितना काम किया है, कितने टाइम काम किया, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपका CV सिलेक्शन है, सैलरी जो लगेगी आपकी वो लगेगी 1800 रियाल से 2800 रियाल के बीच में। वो डिपेंड करता है आपको, आपके एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, आपको एक्सपीरियंस कितना है उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहेगी और सर्विस चार्ज अप्लाईबल है। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारे जी मेल आई डी पर अपना डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें तो प्लीज़ मैंशन ज़रूर करें कि हमें सऊदी अरब के लिए भेजना है, इस काम के लिए भेजना है, ताकि हमें मालूम पड़े कि आप किस काम से भेज रहे हैं और किस कंट्री के लिए आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं लेकिन पता नहीं भाई किस कंट्री के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजें, कहाँ के लिए भेजें, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। और वीडियो को पहले आप पूरा देख लिया करें, उसके बाद में हमें कॉन्टैक्ट करें तो आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा और हमारे लिए भी समझाना थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि वही जो क्वेश्चन मैं वीडियो में बताता हूँ, सारी चीज़ें वो मुझसे फोन करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, उसमें टाइम आपका भी ख़राब होता, हमारा भी ख़राब होता। अब बात कर लेते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में, वो भी सऊदी अरब से है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी सऊदी अरब से है। इसमें हमें जो चाहिए वो क्लीनर चाहिए, और क्लीनर जो आपको वहाँ पे काम करना रहेगा, जैसे कि आपको हॉस्पिटल, मॉल और आपको ऑफिस वगैरह, ये सारी चीज़ के अंदर आपको किसी भी जगह आपको क्लीनिंग के अंदर डाल दिया जाएगा। तो आपका ये माइंड मत बना के चलिएगा मुझे सिर्फ मॉल में ही चाहिए, मुझे फिर हॉस्पिटल में ही चाहिए, या फिर मुझे ऑफिस में ही चाहिए, वो चीज़ आप माइंड में ना बनाएं। अगर आप क्लीनिंग में जाना चाहते हैं तो हम वीडियो देखते रहिए आगे तक, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन किसी भी काम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ आप क्लीनिंग में माइंड बनाइए और कि मुझे क्लीनिंग का काम मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा मैं आपको कर लूँगा, लेकिन इंडोर काम रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंडोर काम रहेगा, आपका आउटडोर काम नहीं रहेगा। तो पूरी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 10 बंदे चाहिए क्लीनिंग के लिए
पासपोर्ट कोई भी हो, दोनों पासपोर्ट चलेगा, ACR हो या ACNR हो पासपोर्ट आपका, और कंपनी जो आपको प्रोवाइड करिए अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करिए। अदर बेनिफिट जो होंगे आपको सऊदी के लेवल लोगों के सबसे प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें पासपोर्ट जो आपकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 से 30 साल के बीच में, 30 साल से ऊपर कैंडिडेट नहीं होना चाहिए और 21 से नीचे ही होने चाहिए। और इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट हमें इनकम का मेडिकल चाहिए, लेकिन आप पहले हमें डॉक्यूमेंट्स भेजिए, उसके बाद में हम आपके डॉक्यूमेंट देख के बताएंगे कि भाई हाँ मेडिकल करा लीजिए। उसके बाद में मेडिकल आप जिनसे कराएंगे तो इंशाल्लाह ये जल्दी ही काम आपका हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं इसमें सैलरी वगैरह, तो आपकी 9 घंटे की इसमें ड्यूटी रहेगी, प्लस ओवर टाइम जो रहेगा वो सऊदी के लेवलों के हिसाब से दिया जाएगा। और इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी वो रहेगी 800 रियाल, और फूड आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, रहना खाना पीना सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी, 800 रियाल आपकी सैलरी है। और क्लीनिंग का काम है, सर्विस चार्ज अप्लाईबल है। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो इसमें जा सकता हो, अनपढ़ हो या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखना जानता हो तब भी इसमें चल सकता है, बिल्कुल अनपढ़ भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये जो काम थे हमारे पास में सऊदी अरब रियाद से काम है। अगर किसी भी काम में आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में मशवरा करें, उसके बाद में हमें कांटेक्ट करें, तो उसमें आपका भी टाइम ख़राब नहीं होगा, हमारा भी टाइम ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हो सकता है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से कर रखा है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आता रहूँगा। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।